मैं अपने टेरेस गार्डन में 100% परसेंट ऑर्गेनिक तरीके से साल भर सीजनल वेजिटेबल्स उगाता हूँ जिनमें से मेरा पर्सनल फेवरेट है खीरा इसे क्यूकम या ककड़ी भी कहते हैं मैंने खीरे की बेल को कंटेनर्स में उगाया हुआ है और इस समय इन पर ढेर सारे खीरे लगे हुए हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी छत या बालकनी में उगा सकते हैं खीरे की बेल और कैसे गमले में भी उगा सकते हैं इस तरह के ढेर सारे फ्रेश और 100% ऑर्गेनिक खीरे बीज लगाने से लेकर हार्वेस्टिंग तक पूरे दो महीने के अपडेट्स के साथ तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों गमले में खीरे की बेल उगाना काफी आसान होता है इसे बहुत कम देखभाल की जरूरत होती है और सिर्फ 60-70 दिनों में इस पर फल आने लगते हैं बीज लगाने का बेस्ट टाइम होता है फरवरी से लेकर अप्रैल तक और बरसात का मौसम शुरू होते ही अभी फरवरी का महीना चल रहा है और मैं खीरे के बीज लगाने वाला हूं बीजों को सीधे मिट्टी में डालने की जगह सीडलिंग मिक्स में उगाना चाहिए 50 परसेंट वर्मी कंपोस्ट और 50 परसेंट कोकोपीट को अच्छी तरह से मिलाकर सीडलिंग मिक्स तैयार करके इसे हल्का गीला कर लीजिए सीडलिंग ट्रे या मिट्टी के इस तरीके के छोटे कप में सीडलिंग मिक्स भरकर सीड्स लगा दीजिए और हल्का सा दबाकर मिक्सचर से कवर कर दीजिए इसे ब्राइट लेकिन शेडी लोकेशन पर रखिए दस दिनों बाद जब सीडलिंग में दो तीन पत्तियां आ जाएं, तो इसे फाइनल कंटेनर में ट्रांसफर कर देना चाहिए खीरे की बेल उगाने के के लिए बड़े साइज पॉट की जरूरत होती है क्योंकि इसकी रूट्स काफी ज्यादा फैलती है अगर आप इसे बहुत छोटे पॉट में लगाएंगे तो इसमें फ्रूटिंग बहुत कम होगी और ग्रोथ भी स्लो होगी 20 इंच या उससे बड़ा गमला इसके लिए बेस्ट होता है मैं खीरे की बेलों को फ्रूट क्रेट से बने इन कंटेनर्स में लगा रहा हूं फ्रूट ग्रेड से बड़े कंटेनर कैसे बनाए जाते हैं इस टॉपिक पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है वीडियो को देखने के लिए ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करें इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे रखा है वैसे तो खीरे की बेल किसी भी तरह की वेल well ड्रेन मिट्टी में बहुत आसानी से उग जाती है लेकिन गमले में उगाने के लिए आपको न्यूट्रिशन से भरपूर मिट्टी की जरूरत होती है बेस्ट पॉटिंग सॉइल बनाने के लिए आपको चाहिए 50 परसेंट गार्डन सॉइल 30 परसेंट वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद 20% कोकोपीट या रेत इसमें दो मुट्ठी नीम खली या नीम के एक पाउडर भी मिला सकते हैं जो ऑर्गेनिक फंगीसाइड का काम करता है 25 दिनों बाद बेल 6 फुट ऊंची हो गई है और ऊपर बेंबू स्ट्रक्चर तक पहुंच गई है बेलों को सपोर्ट देने के लिए मैंने बांस और रस्सियों की मदद से एक ट्रेलिस फ्रेम जैसा स्ट्रक्चर बनाया है अब मैं बेल के ऊपर की ग्रोइंग टिप को इस तरह से काट दूंगा ऐसा करने से इसमें नीचे की तरफ से ढेर सारी सेकेंडरी ब्रांचेस निकलेंगी जिसमें ज्यादातर फीमेल फ्लावर्स आएंगे देखिए टिप कटिंग के कुछ दिन बाद कितनी सारी साइड ब्रांचेस निकल आई हैं। मिट्टी के लेवल से लेकर एक डेढ़ फीट ऊंचाई तक हर लीफ नोट से जितने भी इस तरह के स्प्राउट्स निकले उन्हें काट दीजिए क्योंकि ये सिर्फ एनर्जी सकर्स होते हैं और इनसे निकलने वाली ब्रांचेस में फल भी नहीं आते पैंतीस दिन बाद खीरे की बेल में फ्लावरिंग शुरू हो गई है मैक्सिमम फ्रूटिंग पाने के लिए फ्लावरिंग शुरू होते ही गोबर खाद वर्मी कंपोस्ट, सरसों की खली और नीम खली को बराबर क्वांटिटी में मिलाकर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मिक्स बना लीजिए और दो मुट्ठी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से गमले में डालकर ऊपर की मिट्टी को हल्का ढीला कर दीजिए इससे प्लांट्स को बैलेंस न्यूट्रिशन मिलेगा और जबरदस्त फ्रूटिंग होगी अलग अलग नेचुरल फर्टिलाइजर्स को मिलाकर कैसे बेस्ट ऑर्गेनिक खाद घर पर ही तैयार की जा सकती है इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है वीडियो को देखने के लिए लिंक ऊपर फ्लैश कर रहा है लिंक आपको कमेंट बॉक्स और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा खीरे की हमारी बेलें अब पचास दिनों की हो चुकी है ज्यादातर फूल छोटे फलों में कन्वर्ट हो गए हैं इसमें मेल और फीमेल दोनों तरीके के फूल आते हैं मेल फ्लावर्स के नीचे सिर्फ पतली सी स्टॉक होती है जबकि फीमेल फ्लावर्स के नीचे इस तरह का छोटा सा फल भी दिखाई देता है मैंने अपने टेरेस गार्डन में कई तरह के फूलों के पौधे भी लगाए हुए हैं जिनसे अट्रैक्ट होकर ढेर सारे पॉलिनेटर्स मेरे गार्डन में आते हैं और नेचुरल पॉलिनेशन करते हैं अगर आपके गार्डन में पॉलीनेटर्स नहीं आते हैं तो आप एक सॉफ्ट पेंट ब्रश की मदद से पहले मेल फ्लावर के पॉलन कलेक्ट करके फीमेल फ्लावर्स के बीचों बीच ट्रांसफर करके हैंड पॉलीनेशन भी कर सकते हैं पचपन दिनों के बाद फल थोड़े और बड़े हो गए हैं आपको पता भी नहीं चलेगा और हफ्ते दस दिन के अंदर इनका साइज तेजी से बढ़ जाएगा बीच से खीरे की बेले उगाए हुए आज पैंसठ दिन हो गए हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि सभी बेलों पर ढेर सारे खीरे आ गए हैं और अभी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो चुके हैं तो चलिए इन्हें हार्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों यह है खीरे की बेल का हमारा पहला हार्वेस्ट अभी भी बेल पर ढेर सारे छोटे फल आ रहे हैं और फ्लावरिंग भी हो रही है इसका मतलब अगले एक डेढ़ महीने तक मुझे इसी तरह के दो तीन हार्वेस्ट और मिल जाएंगे आप जितने फल पिक करेंगे बेल उतनी ही ज्यादा फ्रूटिंग करेगी हार्वेस्टिंग तभी कर लेना चाहिए जब खीरे कच्चे और छोटे हों नहीं तो खीरे सख्त होकर पकने लगेंगे और इसके बीज भी हार्ड होने लगेंगे अब जरा इसमें से एक को मैं टेस्ट करके देखने वाला हूं क्रंची, स्वीट और सुपर फ्रेश खीरे की बेल बिना ज्यादा मेंटेनेंस के आसानी से उग जाती है लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखें तो गमले में भी आपको जबरदस्त फ्रूटिंग मिल सकती है खीरे की बेलों को अच्छी तरह से फलने फूलने के लिए ढेर सारी धूप चाहिए होती है इसलिए इसे ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां जा इसे रोजाना छह से आठ घंटे धूप मिल सके ये शॉर्ट लाइफ प्लांट होते हैं और इसलिए फीडर भी होते हैं गमले में में अच्छी ग्रोथ के लिए इसे समय समय पर फर्टिलाइज करते रहना जरूरी है हर 15 दिन में एक बार इसमें दो मुठी वर्मी कंपोस्ट या अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद डालिए इसे कम पानी की जरूरत होती है ज्यादा पानी देने से इसकी जड़ों में रूट रॉट होकर पौधा खराब भी हो सकता है फ्लावरिंग स्टेज में ओवर वाटरिंग से फूल झड़ भी सकते हैं इसलिए पानी तभी दीजिए जब छूने पर ऊपर की मिट्टी सूखी लगे खीरे की बेल पर ज्यादातर एफिड्स स्पाइडर माइट्स और पाउडरी मालड्यू जैसे पेस्ट अटैक करते हैं इनसे छुटकारा पाने के लिए सीडलिंग स्टेज से ही हर पंद्रह दिन में एक बार पांच एम नीम ऑयल को एक लीटर पानी में मिलाकर पूरे पौधे पर अच्छी तरह से स्प्रे करें छोटे फलों पर फ्रूट फ्लाई भी अटैक करती है और कुछ ही दिनों में इसके लार्वा फ्रूट को अंदर से सड़ाकर खराब कर देते हैं पॉली बैग में बारीक बारीक छेद करके छोटे फलों को इससे कवर कर दीजिए ऐसा करने से फल फ्रूट फ्लाई से बचे रहेंगे तो दोस्तों इन आसान टिप्स को फॉलो करके आप भी मेरी तरह अपनी बालकनी या छत पर ढेर सारे ताजा और 100% परसेंट ऑर्गेनिक खीरे उगा सकते हैं तो यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग